फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे वेज पुलाव, जिसके लिए हमने हरी सब्जियां लिया है, जिसको हमने पीसेस में कट कर लिया है, जिसमें हमने शिमला मिर्च, गाजर, बीन्स, हरा वटाना ले लिया है, आलू ले लिया है 3 मीडियम साइज के, जिसको हमने कट कर लिया है 4 पीसेस में, 2 टमाटो, 2 मीडियम साइज के प्याज जो हमने बारीक कट कर लिए हैं, 8 से 10 कड़ी पत्ता। मसाले में हमने 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, आधा टेबल स्पून हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार हम ले लेंगे। मसाले का पेस्ट बनाने के लिए हमने 1 गांठ लहसुन लिया है, अदरक लिया है, हरा धनिया और 3 हरी मिर्च ले ली है। अखा गरम मसाले में हमने तेज पत्ता 2 से 3, दालचीनी, शाहजीरा, जीरा 5 से 6 लौंग, 10 से 12 काली मिर्च, 1 फूल ले लिया है और हमने चावल ले लिया है। अब हमने कुकर को गैस पे रख दिया है, गरम कर लिया है। अब हम इसमें 4 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें प्याज और कड़ी पत्ता डालेंगे। प्याज को हम अब भून लेंगे। प्याज को हमने सुनहरी लाल होने तक भून लेना है। ये देखिए, अभी हमारी प्याज सुनहरी कलर की हो चुकी है। अब हम इसमें अखा गरम मसाला डालेंगे। तो मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें जो कटी हुई सब्जियां हैं उसे डाल लेंगे। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम 1 मिनट तक सब्जी को भूनने के बाद इसमें हम जो हमने अदरक, लहसुन, मिर्ची और कोथमीर का हरा मसाला जो पेस्ट बनाया है वो डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हम इसे 2 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेंगे। अब हम इसमें कटे हुए टमाटर डाल लेंगे और उसे भी मिक्स करके भून लेंगे। दो से तीन मिनट तक हमें इसे अच्छी तरह से भूनना है ताकि जो पानी वगैरह है वो सूख जाए।
थोड़ा। अब हमने हमारी भाजी जो पूरी भुन चुकी है, अब हम इसमें चावल डाल लेंगे। अच्छी तरह से धो के हम इसमें चावल डाल लेंगे। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। चावल को भी हम कम से कम 2 मिनट तक भून देंगे। दो मिनट तक हमें इसी तरह से इसे भूनना है ताकि चावल भी थोड़े से मसाले में मिक्स हो जाए। और जिस वजह से क्या होगा, चावल भी हमारे छुट्टे छुट्टे रहेंगे और वो टूटेंगे नहीं। अब हमने इसे अच्छी तरह से 2 मिनट भून लिया है। अब हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे चावल के हिसाब से। चावल को मिक्स कर लिया है। अब हम कुकर का ढक्कन ढक लेंगे और 2 सीटी बजने तक फास्ट गैस पे पकने देंगे और 2 सीटी पूरी बजने देंगे। कुकर को हमने बंद कर दिया। अभी हमारी 2 सीटी हो चुकी है तो अभी हम इसे कम से कम 5 से 7 मिनट तक इसी तरह से गैस अंदर रहने देंगे, जिससे वो और अच्छी तरह से पक जाएगा। 2 सीटी होने के बाद गैस बंद कर ले, लेकिन कुकर का ढक्कन ना खोले, उसे 5 से 7 मिनट इसी तरह बंद रहने दे। अब इसकी जो सीटी है वो निकाल लेंगे ढक्कन खोलने से पहले। अब ये पूरी तरह से जो है निकल चुकी है बाप, अब उसे खोल लेंगे। ये देखिए हमारा पुलाव रेडी हो चुका है। अब हम इसे मिक्स भी कर लेंगे, जो ऊपर आई भाजी वो अच्छी तरह से फिर मिक्स हो जाएगी। अब हम इसे सर्व कर लेंगे। देखिए हमारे आलू वगैरह अच्छी तरह से गल गए हैं और पूरी तरह से भाजी भी पक चुकी है। ये देखिए हमारा पुलाव अच्छी तरह से पक चुका है, इसमें से बहुत ही अच्छी स्मेल भी आ रही है, खुशबू आ रही है। अब आप इसे कचुंबर या सैलेड के साथ सर्व कर लें। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और मेरे वीडियो को शेयर भी करें। आप चाहिए तो इसे नींबू के साथ भी खा सकते हैं। थैंक यू।